तोरी धानी भूखल छठी बारत चला गईले जहाँ स्वामी जी हमार तुहारी धानी भूखल छठी बारतिया नारियाला रघनियार तुहारी धानी भूखल छठी बारतिया किलावाया रघनियार भूखल छठी बारत चला गईले जहा फरे से ओ पर सुगा मेरा ओ पर सुगा मेरा सुगा के मारा बोध अनुसार से सुगा गिरे मोरु गाजीपुर में लागल सात बजरिया ओमे चौकी बिचार बिछाना प्रमोद बाबू चौकिया चौकी गोड़ा लगबा बड़ी बड़िया किया के कर लंबी लंबी केस के कर पिया पर देसी
के करे छठी के बारत के करे छठी के बारत सूरज। एक बार अपना नाम बता। नीरा राय मेरा नाम है। मैं करीब 20 साल से ये व्रत कर रही हूँ। क्या आज कल से व्रत शुरू हुआ है? क्या क्या होता है? क्या हाँ होता है? शुक्रवार के दिन पर कल नहाए खाए था, कल पूरे दिन व्रत रह के शाम को लौकी का दाल में, चने के दाल में लौकी डाल के बनाते हैं हम लोग, और नए चावल बना के खाते हैं। फिर अगले दिन आज जो शनिवार है, आज खरना है, आज भी पूरे दिन व्रत रहे हैं, और फिर उसके बाद आज शाम को खीर और रोटी खाया जाएगा। फिर उसके बाद कल संडे को व्रत है छठ पूजा का। दिन भर के व्रत के बाद शाम को हम लोग सूर्य का अस्ताचलगामी सूर्य का आराध्य देंगे। फिर उसके बाद अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे, फिर व्रत तोड़ेंगे आकर। यही 3 दिन का ये महापर्व है। इतने दिन से आप व्रत कर रहे हैं, क्या इसके लिए कोई मन्नतें भी होती हैं? हम मन्नतें तो बहुत होती हैं, पर हम तो ऐसे अपनी पारिवारिक परंपरा के चलते ये व्रत कर रहे हैं। हमारी सासू माँ करती थी तो उन्होंने हमको ये व्रत सुख थमा दिया, तो फिर मैं ये कर रही हूँ। क्या कभी आपने कोई मन्नतें मांगी है जो पूरा हुई हो? हाँ हाँ मांगे हैं और पूरा भी हुआ है। क्या मांगी थी? मेरा नाम कामिनी राय। क्या कहेंगे, लोक आस्था का महापर्व छठ चल रहा है और महिलाएं काफी तपस्या करती हैं, इसमें आपका भी लंबा समय हो गया करते हुए, क्या क्या की और क्या बताएंगे? ये व्रत हम लोगों की सासू माँ करती थी बहुत पहले से, अब बच्चों की बहुत आस्था है इसमें, बच्चे खुश रहते हैं, साल भर की तैयारी करते हैं कि व्रत करना है व्रत करना है। अच्छा, आपने कभी ऐसा हुआ है पूजा कोई मन्नत मांग के पूजा किया हो और पूरा हुआ हो? हम तो जब से आए हैं बहुत ढेर सारी मन्नतें मेरी पूरी हुई है।